लंग ट्रांसप्लांटेशन कब किया जाता है, यानी इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति के लंग्स इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि वह नॉर्मल जो ऑक्सीजन अंदर ले जाना और CO2 बाहर निकालने की प्रक्रिया को नहीं कर पाते और व्यक्ति की ऑक्सीजन कम होने लगती है और नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए उसको 24/7 बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी उसके बावजूद भी उसके ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल नहीं मेंटेन हो पाते। इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में एंड स्टेज लंग डिजीज कहते हैं, यानी कि लंग की बिल्कुल अंतिम स्टेज की हालात को कहते हैं। ये एंड स्टेज लंग डिजीज कई बीमारियों की वजह से हो सकती है। सबसे कॉमन है एक बीमारी जिसको हम COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, वायु प्रदूषण को वजह से हो सकती है या और कारणों से भी हो सकती है, जिसमें हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और वो अपना कार्य नहीं कर पाते। दूसरा कारण है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो जिसमें फेफड़े फूलने की जगह वो श्रिंक कर जाते हैं, बड़े हार्ड हो जाते हैं और उनकी नॉर्मल खुलने बंद होने की जो शक्ति है वो कम या ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा सा एक ग्रुप है जिसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक कॉमन नेम से। सो COPD एक, फाइब्रोसिस एक। तीसरा कारण है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, जिसमें लंग्स के अंदर जो धमनियां होती हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लंग्स उसकी वजह से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा बहुत सी और इन्फेक्शस बीमारियां होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसमें लंग्स में दोनों तरफ छोटे छोटे स्पॉट्स से बन जाते हैं, ब्रोंकियेक्टेसिस है जिसमें लंग्स में दोनों तरफ स्पॉट्स से बन जाते हैं, सार्कोइडोसिस है और ऐसी ही और लेस कॉमन बीमारियां हैं जो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में एंड स्टेज लंग डिजीज। तो इन सारी बीमारियों की वजह से अगर कोई रोगी एंड स्टेज लंग डिजीज पहुंच गया है, जहां पर किसी भी दवा से उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, तब इस व्यक्ति के लिए लंग ट्रांसप्लांट ही आज की तारीख में एकमात्र उपाय रह जाता है। धन्यवाद।